अरे बेटा सीमा बहू, सीमा बहू। पिताजी, पिताजी, हमारे प्यार में क्या कोई कमी रह गई थी जो आपने इतना बड़ा कदम उठाया? बेटा देख, मेरी तबीयत खराब हो जाती है रात बिरात को। अब तू बेटे के पास होती है तो मुझे शर्म आती है, तुझे आवाज देते मैं। अब मैं तो इसलिए कर लाया। तो पिताजी क्या हम आपकी औलाद नहीं है? हमने तो आपको, मैंने तो हमेशा अपना ससुर नहीं, हमेशा अपना बाप मान के चली हूँ मैं। अरे बेटा वो सब ठीक है तेरी बात, मैं तुझसे इस बात से इनकार नहीं करता कि तू नहीं मानती, सब कुछ मानती है, मगर बेटा अकेले जिंदगी व्यतीत नहीं होती है। तुमने कभी सोचा तुम्हारे बेटे को पता लगेगा तो वो क्या 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 सोचेंगे? कुछ ना सोचेंगे वो, कुछ ना सोचेंगे। तू मेरी फिक्र छोड़ और मैं उसे समझा लूंगा। तुम्हें पता है ये तुम्हारी उम्र जो है पोते पोतियां खिलाने की, और तुम इस उम्र में शादी कर रहे हो। आज तक तू एक पोता तो दे ना पाई, ना पोती दे पाई तू। पिताजी आपकी जो उम्र है ये पोते पोतियां खिलाने की है या फिर शादी करने की? देख मेरी बात सुन ले, ये घर मेरा है और मैं इस घर में इस घर का मालिक हूँ, और मैं जो चाहूँ करूँ। और तू एक काम कर, अपना जा और मुझे जाने दे, चल। एक आज तक तूने एक पोता पोती तो दी ना, समझे? और बक बक करे जा रही है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? कल तक तो ये बहुत अच्छे खासे थे, लेकिन अचानक इनके दिमाग में कौन सा कीड़ा घूम गया शादी करने का? कल को अगर इनकी औलाद होगी, क्योंकि लड़की तो मुझे ज्यादा उम्र की लग नहीं रही, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जरूर इसने पिताजी को अपने झूठे सिकंजे में फंसाया है। मुझे ये सारी बातें विजय को बतानी चाहिए, क्योंकि कल को अगर ये इनके बच्चे हुए, हमारे मेरे पास तो कोई बच्चा भी नहीं है, और सारी प्रॉपर्टी ये हड़प के ये नागन चली जाएगी। पिताजी से क्या कहूँ, मुझे तो शर्म आती है उनसे ये सारी बातें करने में। छी, देखो पूजा, ये हमारा कमरा है और आज से तुम इस घर की मालिक हो। मालिक हूँ? एक बात बताइए जी, आप तो ये कह रहे थे मेरी बहू बहुत सीधी है, मेरा बेटा भी बहुत सीधा है। जब बहू इतनी तेज है तो बेटा कहाँ से सीधा होगा? उसने तो मेरे आते ही रिमांड ले ली। अरे पूजा मेरी बात सुनो, पूजा उसके ना तो बच्चे हैं, ना लड़की ना लड़का, मान समझती हो? तो उसका टेंशन रहता है दिमाग में बहू के। देखिए जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, आज आप हो कल आप नहीं रहे, आप गुजर गए, आपकी सांस उखड़ती है, आपकी उम्र भी हो चुकी है, आपके बहू बेटा तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे सीमा ऐसा नहीं है, देखो ना तो इनके बच्चे हैं, अब देखो ये कोई इनका कोई वो नहीं है। जब हमारे बच्चे होंगे तो हमारे पास सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे बच्चों के नाम होगी, तुम्हारे नाम होगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। सारी प्रॉपर्टी मैं सीमा तुम्हारे नाम करने वाला हूँ, तुम परेशान मत हो। इनके कोई है? तुम बताओ कोई बच्चा है इनके? जब इनके बच्चे ही नहीं है तो प्रॉपर्टी जाएगी कहाँ? देखिए हम दोनों के होंगे बच्चे, भगवान ने चाहा तो सब कुछ तुम्हारे नाम होगा और हमारे बच्चों के नाम होगा। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मुझे आपकी बहू का नेचर ठीक नहीं लगता। नहीं 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 सीमा, सीमा ऐसा नहीं है, हमारी बहू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बहू है हमारी, हमारा बेटा भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। तुम देखो अभी बरतो, तुम अभी आज ही तो आई हो सीमा, अभी ब्याह के लाए, तुम अभी तुम सबको समझ लोगी। आज बहुत शुभ दिन है और खाम खाम मूड मत खराब करो, और आज हमारी स्वागरात का दिन है। देखो पूजा अपना मूड खराब मत करो, आज हमारी स्वागरात है और सारी प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। देखो जी ऐसा ना हो कहीं आज ये माला आपके गले में पड़ी हुई है, कल को आपके फोटो पे पड़ जाए तो। अरे पूजा कहाँ आज कैसी बातें कर रही है अशुभ, ये हमारे अभी से अभी उम्र ही क्या है मेरी? नहीं जी हाँ? मुझे कोई भरोसा नहीं है। ना ना ना, 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 ना आप ऐसा होने से पहले प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देना। आप प्रॉपर्टी तो अपने बच्चों के और तेरे ही नाम करनी है मुझे। पूजा फिक्र मत कर, हमारे लड़के के कोई बच्चा तो है नहीं, ना हमारे किसी के है, तो हम किसके जाएंगे, बच्चे हमारे होंगे सारे। अरे सुनिए जी कहाँ पर हो, बाहर निकल गया, अनर्थ हो गया, अरे क्या हो गया, दिखाने लायक नहीं रही। घर सर पे उठा के रख दिए। क्या हुआ ये पूछो, क्या नहीं हुआ इस घर में? तुम्हारे पापा ने जो कारनामे किए हैं ना, मुझे नहीं बताती कि तुम लोगों के ऐसा भी होता है। क्या कारनामे कर दिए? देखो जी मैं तो यहाँ रहने वाली नहीं हूँ, सही बता रही हूँ, मुझे तो शर्म से ऐसा लग रहा है। भगवान कोई बात नहीं, तुम बात तो बताओ हुआ क्या मुझे तो। अरे शादी करके लाए तुम्हारे पापा। बाबूजी शादी करके लाए? ओह कह तो ऐसे रहे हो, ना जाने कितना बड़ा तीर मार के लाए। अच्छा खुशी हो रही है तुम्हें?
नहीं नहीं खुशी तो नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि मतलब उन्हें कोई लड़की ने पसंद किया तो किया, तो मैं समझ में नहीं आ रहा। उस लड़की ने पसंद नहीं किया, उस लड़की ने उनको फंसाया है, और तुम्हें पता है वो कम उम्र की लड़की। बाबूजी ऐसे नहीं है, मैं उनसे पूछूंगा, करूंगा बात। हाँ तुम भी तो ऐसे नहीं थे जो पिछले 10 सालों में इतने कारनामे करे हैं तुमने, तुमने भी मुझे बहुत झिकाया। सीमा मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बाबूजी तो ऐसे है नहीं, पता नहीं तुम क्यों उनके बारे में ऐसा सोच रही हो। उन्होंने बाकी शादी कर ली है क्या? शादी करी है, बाकायदा जयमाला डाल के लाया उस महारानी को घर पे, और वो तो मुझसे भी छोटी सी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की है क्या? अच्छा तो वो है कहाँ पर? और मैं देखो जी सच बता रही हूँ, इससे पहले कि तुम्हारे पापा सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दे, तुम अपने नाम करा लो। सच बता रही हूँ, कल को हमारे भी बच्चे होंगे ना। सुनो ऐसा है कि अब वाकई उन्होंने शादी कर ली है? नहीं, ख्वाबों में करी है। तो फिर ऐसा मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। सीमा ऐसा कुछ नहीं है, अब एक काम करो, रात का टाइम है, मैं जरा सोने जा रहा हूँ, है ना? और सोने जा रहे हो? हाँ, तुम तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? और बाबूजी से मैं सुबह बात करूंगा। सुबह बात, पहले मेरी बात सुनो, तुम्हें बड़ी सोने की पड़ी रहती है, जब देखो सोना सोना। मुझे एक बात बताओ, अगर ये रात निकल गई ना तो कल सुबह तुम्हारी गोद में तुम्हारा छोटा भाई बैठा होगा, जहाँ तुम्हारी औलाद खेलनी चाहिए। सीमा तुम कुछ नहीं यार, बकवास कर रही हो तुम बाबूजी के बारे में। बाबूजी जी, बाबूजी जी, मैं बकवास कर रही हूँ? हाँ, बकवास कर रही है। उस लड़की से शादी करके ना, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं सारी प्रॉपर्टी नाम कर दी, उनके बच्चे होंगे कल को। बाबूजी बिल्कुल ऐसे नहीं है, पता नहीं तुम क्या क्या सोचती हो। तुम भी ऐसे नहीं हो? हाँ हम भी ऐसे नहीं है। मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, देखो अपने पिताजी से बात करो। क्या करूं मैं, क्या बात करूं? मुझ पे क्यों भड़क रहे हो? भड़क रहे हो तो अपने बाप पे जाके भड़को, जाके उनसे बात करो, उस लड़की को यहाँ से घर से निकालो। चलो सीमा कोई नहीं, तुम गुस्सा मत हो बाबूजी के, अब थोड़ा रात का टाइम है, हम सोते हैं, फिर सुबह बात करेंगे ना। आ जाओ, सुबह तुम्हारा भैया तुम्हारी गोद में खेलेगा, ठीक है? सीमा, सीमा, दो कप चाय लाओ। मेरे तो सर में दर्द हो रहा है कल से बहुत तेज। कोई नहीं, अब चाय तो मांग रहे हैं, चाय तो दे दो उन्हें। हाँ हाँ, मैं तो तुम्हारी और तुम्हारे बाप की नौकरानी लग रही हूँ, चलो अभी बात करो उनसे, चाय आज इस घर में नाश्ता तभी बनेगा। चलो मैं करता हूँ बात। अरे सीमा, चाय वाय नहीं लेके आए तुम, और नाश्ता लगवाने की कहा था कि नाश्ता लगा दो। चाय वाय छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें आंखों में शर्म वरम है, कुछ नहीं है? क्यों बेटा, क्या मैंने गुनाह कर दिया? ऐसा क्या गुनाह कर दिया बेटा, बता। गुनाह कर दिया? हाँ? तुम्हारी जी मालूम है तुम्हारी कितनी उम्र है इस टाइम? हाँ, और ऐसी उम्र में तुम्हारे नाती पोते खिलाने की तुम शादी करके ला रहे, शर्म नहीं आती जरा भी? तो तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे ना नाती है ना पोता है कोई अभी तक। तो क्या हो गया, नाती पोते नहीं तो तुम, इसका मतलब तुम शादी करोगे? अरे तो उसके बाद में मुझे और भी तो बहुत सी शादी है। तुम क्या दिखाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि भाई मेरे खिदमत में कोई कमी रही, ये तुम्हारी खिदमत नहीं करती क्या? क्या रात को मैं तुझे बुलाऊंगा या इसे बुलाऊंगा, रात के 1 बजे या 2 बजे? मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। तुम्हारे बारे में लोग जने क्या क्या कह रहे हैं, पूरे मोहल्ले के अंदर तुमने हमारी बिल्कुल नाक कटा के रख दी। मुझे मोहल्ले वाले की परवाह नहीं है, ना मुझे समाज की परवाह है। हाँ, मुझे तो अपना फायदा देखना है, समझे? आगे बच्चे चढ़ के और ये चढ़ा के लाई होगी तुम्हें, ये भी पहले मेरी उसे आते बाबूजी ये भी चढ़ाएगी मुझे। भावने डाल के लाया उसी दिन इसने रस्ते में रोक लिया मुझे। अब ये बताओ बाबूजी, जैसे कि इसने मुझे बताया कि वो इतनी छोटी बच्ची से तुमने शादी की, तुम्हारी कम से कम बहू के बराबर है, तुम्हें तो बिल्कुल ही थुका करके रख। बहू नहीं, नहीं, मेरी ना बहू के बराबर है और ना ही मेरी बेटी के बराबर है। मैंने उससे तुम्हें अपनी अय्याशी करनी है। क्या बकते हो, क्या बदतमीजी है ये? बाप से करने बात करने का यही तरीका? तुमने हमारी इज्जत का ख्याल रखा कुछ? क्यों नहीं रखा तेरी इज्जत का ख्याल, बता क्या ख्याल? सारे मोहल्ले के अंदर तुम्हारी बुराई करते फिर रहे लोग, पूरे घर का मालिक है तू अभी। अजी सुनिए, अरे बोलो मेरी जान, क्या कह रहे हो? अरे चाय ले आइए। अभी जाता हूँ, अभी जाता हूँ। लो आ गया तुम्हारी महारानी का बुलावा। और सुनो, और सुनो बाबूजी, मेरी बीबी किसी की नौकर नहीं है, हमने तुम्हारे लिए कभी खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब तुम नई नई शादी कर करके लेके आ रहे हो, शर्म नहीं आ रही जरा भी? विजय तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने पिता से इस तरह से बात कर रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती कि अपने पिता को तुम कह रहे हो गांव में और इसमें और उसमें? अरे तुम्हारी वो तो क्या हो गया, तुम तुम्हारा इज्जत करना तुम्हारा फर्ज बनता है अपनी माता का, तुम्हारी माता है। बाबू जी ये मेरे माँ का घर है, ये मेरे दादा का घर है, और आप अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो आप उसको लेके चले जाइए यहाँ से। मैं नहीं जा सकता, सुनो विजय, ये मेरा घर है,
और इसका मैं मुख्तियार हूँ, और चाहो तो अपनी बीवी को भी लेके जा सकते हो यहाँ से। तुम जाओगे यहाँ से। देखो विजय, इस घर का मालिक मैं हूँ, मैं जो चाहूंगा वो होगा, चाह सकते हो तुम मेरे घर से। देखा तुमने? एक बात पूछूं आपसे, ये आपके रियल पिताजी हैं? मुझे तो शक होता है कि रियल ही, लेकिन पता नहीं इनको मत मारेगा ही, पता नहीं क्या इन पे किसी ने कुछ करा दी, मेरे समझ में नहीं आ रहा। भरोसा नहीं होता कि तुम इन्हीं की औलाद हो। इमा यार, बड़ा दिमाग खराब है यार, पिताजी ने अच्छा नहीं किया। बढ़िया, ये उम्र ऐसी होती है कि इस उम्र में मैं चाहता था कि बाबूजी की खिदमत करूं, पता नहीं क्या मत मारी गई। तुम उनकी खिदमत क्या करोगे, लेकिन फिलहाल तो वो तुम्हारी खिदमत करने में लगे हुए हैं। हाँ, तुम भी ताना मार लो। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, वैसे कम तो इस घर में कोई भी नहीं है। आज तक तुम मुझे एक बच्चे का सुख नहीं दे पाए, लेकिन तो कोई बात नहीं, तुम मुझे बच्चे का सुख दो ना दो, लेकिन तुम्हारे पापा तुम्हारी गोद में भैया जरूर लाएंगे। चलो अब कमरे में। आप आ गए, मेरी चाय कहाँ है? अरे चाय तो तुम्हें मैं पिलवा दूंगा, बड़े होटल में चलेंगे आज नाश्ता करने। तुम्हें मालूम है जो बच्चा मेरे सामने सांस नहीं ले सकता था, आज वो मेरे मुंह लगता है, समझे? जब से शादी की है, शादी क्या कर ली, उसने बहू ने इतना चढ़ा दिया है मेरे बेटे को, इस औरत ने दिमाग खराब करके रख दिया है। मेरा लड़का इतना सीधा था विजय, मैं बता नहीं सकता। देखो जी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, आप इतने जोर से मत चिल्लाया करो, पता है आपकी सांसें चलती हैं, आखिरकार आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अरे पूजा, कुछ नहीं होगा मुझे, कल को मैं सही हूँ। मरमर आ गए तो? अरे नहीं तो, पूजा सोचा मत करा करो, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जी, आप मरने से पहले ये प्रॉपर्टी मेरे नाम जरूर कर जाना। हाँ पूजा, मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा और हमारा इलाज हो जाएगा। पूजा कैसी बात कर रही है, अभी बिल्कुल फिट हो जाएंगे हम। नहीं जी, देखो इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। देखिए आपके बहू बेटा मुझे बाहर निकाल देंगे फिर। अरे पूजा कैसी बात करती है तू, हैं? तुझे कैसे निकाल देंगे, तू मालकिन है इस घर की। बेटी बेटी, अरे ये तो मेरे पिताजी की आवाज है, लगता है मेरे पिताजी आ गए, मैं जाके देखती हूँ। हाँ देखो देखो, बेटी बेटी, पिताजी आ रहे हैं, पिताजी। बेटी बेटी मेरी, पिताजी आपने तो कोई फोन वोन भी नहीं करा और अचानक। अरे बेटी, हो हाय गैया, इतना बड़ा घर। बेटी मैं पहली बार देख रहा हूँ अपनी आंखों से इतना बड़ा घर, देख लिया मैंने आज तक नहीं देखा, सही बता रहा हूँ बेटी। और बेटी मैं ना तेरे लिए, बेटी मैं पेटा लेके आया हूँ। मेरे लिए? तुम्हारे लिए पेटा, भर के पेटा। एक तो ये घर इतना बड़ा है, अब पता नहीं लोग दामाद जी नहीं दिख रहे हमारे, कहाँ दामाद जी? पिताजी दामाद जी अंदर है, दामाद जी से। और ये पूरा घर मेरा है। क्या बात है, मुझे गर्व है अपनी बेटी पे कि तू मेरी बेटी है। हाँ पिताजी, वो तो है। चलिए पिताजी, अब यही घर रखेगी, अंदर चलिए। चलो बेटी। नमस्ते पिताजी। नमस्ते। तुम तो खुद मेरे बाप की उम्र की हो। अरे नहीं पिताजी, अशुभ कैसे अशुभ बात करते हो? अशुभ बात नहीं है, शुभ बात है। बेटी दामाद जी बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया लगे हैं मुझे, तेरी चॉइस बहुत अच्छी है दामाद जी की। हाँ बहुत बढ़िया। पिताजी कैसे आना हुआ तुम्हें? कैसे आना हुआ, और गाँव में सब ठीक ठाक तो है, सब राजी खुशी है? कहाँ ठीक है, कहीं ठीक नहीं। क्या हुआ पिताजी? बाढ़ आ गई थी गाँव, सब तहस नहस हो गया, सब बह गया, सब उजड़ गया। मेरी धर्म पत्नी आज से 4 साल पहले गुजर गई, स्वागत वाले दिन ही उसकी मृत्यु हो गई। ना कुछ कर पाया, ना कुछ देख पाया, ना कुछ खा पाया बाकी हाथ। पर ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें पता है मैं तो बेटी के पास आया हूँ। तो पिताजी जब आपकी बीवी स्वर्गवास हो गई, तो चार ये जो बेटी है आपकी, ये मेरी पहली वाली धर्म पत्नी की बेटी है। अच्छा, मेरी जो दूसरी शादी हुई थी वो तो जब ही गुजर गई। अच्छा, जब दूसरी हुई थी वो 4 साल पहले ही तो खत्म हो चुकी है। अच्छा अच्छा अच्छा, पर वो भी स्वागत वाले दिन, ये भी स्वागत वाले। कोई बात नहीं पिताजी, आप हमारे साथ रहो, बुढ़ापा ना तुम परेशान, बुढ़ापा ना जाने कैसे कटेगा। अरे ना ना, बढ़िया कटेगा जी। ले बेटा पेटा, क्यों करते पेटा? अरे पिताजी बोलिए, पिताजी चलो दामाद जी। ओ भाई पेठा फेटा सब बढ़िया भाई, बेटी के घर पे किस बात की कमी, आराम से रहूंगा मस्त, अपने बढ़िया घी दूध दही से बढ़िया इज्जत हो रही है भाई, बहुत बढ़िया। मेरे मजे आता है, कहीं घुमाने भी नहीं ले जाते। आप कौन? मुझे नहीं जानते वैसे। हाँ आप हमारे घर में क्या कर रहे हैं, कौन है आप? मैं? हाँ मुझे नहीं पहचानी तुम। मैं? ऐसा लग रहा है कहीं से
क्या कहीं से? कौन है जी, आप जानते हैं? मैं तो कुछ तुमसे पूछने वाला था, पता नहीं, मैंने तो पहली बार ये शक्ल देखी है। न मानोगे क्या मतलब है? अरे आप घर में क्या कर रहे हो? तुम्हारे घर में चंदा बंदा लेने आए हो क्या? चंदा लेना तो 10 रुपए देके इन्हें विदा करो जी। अरे कैसी कैसी बातें कर रहे हो? सीमा ऐसा तो नहीं कि राजस्थान में कुछ भिखारी इस टाइप के होते हैं? हाँ, जैसे। चुप, चुप। अच्छा सुनो मेरी बात। इस घर का जो मालिक है ना, उसका ससुर हूँ मैं, समझे? इज्जत करो, इज्जत मिली। इस घर के मालिक तो ये मेरे पति, तुम मेरे बाप कब से बन गए? हाँ, इस घर का मालिक तो मैं हूँ। और मेरे पिताजी ये कौन है? तुम्हारे पिताजी? मेरे पिताजी? तुम्हारे पिताजी है ना, बुढ़िया। हाँ 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 हाँ। तो उनकी जिससे शादी हुई है उस बेटी का बाप हूँ मैं, समझ जाओ। बाय। मुझे तो चक्कर आने लगे। अभी चक्कर नहीं, अभी तो क्या क्या आया? कोई बात नहीं, हो सकता है सही कह रहे हो, बाबूजी ने तो खेल अपना खेल ही लिया। सही कह रहा हूँ मैं। अच्छा तुम कह रही थी घूमने की, अब घूमने चलते ना। अरे तुम छोड़ो घूमना, मैं यहाँ खुद घूम गई, मुझे अपने रूम में ले चलो। चलो चलो। नहीं, इज्जत नहीं करना जानते, नमस्ते नहीं करोगे हमसे? अरे प्लीज मुझे रूम में ले चलो, मैं चक्कर काट के जा रही हूं। नमस्ते अंकल जी, बाद में देखते हैं अभी। अरे सर कहाँ जा रहे हो, हमारा रूम तो इधर है। बताओ अभी तो सर घूमा है, अभी तो बेटी पता क्या क्या नहीं घूमेगा तुम्हारा। अभी तो हम आए हैं, अभी तो शुरुआत है, पहला कदम रखा है, अभी तो हजारों कदम रखने बाकी है। बड़ा भूख लग रही बेटी, क्या घी के लड्डू खाई हो? हे भगवान, इतना सर में दर्द हो रहा है, मेरे चक्कर आ रहे मुझे। कोई नहीं सीमा, अपने आप को संभालो। और चलो सीमा, तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। अरे रुकिए, पानी क्या लेके आओगे, पानी सर से ऊपर जा चुका है। देखो मैं इस घर में नहीं रह सकती, मुझे अपने घर जाना है। तुम्हें रहना, तुम रहो, मुझे नहीं रहना। अरे तुम मेरी बात तो सुनो, मैं बाबूजी से बात करूंगा ना। क्या बात करोगे, जब से लेके अब तक कोई बात नहीं कर पाए। अब तो उसका मतलब उन्होंने अपने ससुर को भी बुला लिया है। ए भगवान, मेरा तो सर पागल हो गया। मुझ पे यकीन है? अरे तुम पे यकीन है, तभी तो ये सारे घर में कारनामे हो रहे हैं। मैं उनको भी यहाँ से निकाल दूंगा और उनके ससुर को भी यहाँ से निकाल दूंगा। अभी आने तो दो, वक्त जरा करते हैं बात। मुझे एक बात बताओ, तुम उनके बेटे हो या वो तुम्हारे बेटे हैं? वो मेरे बाप जरूर हैं, लेकिन मैं उनको जानता हूँ, बड़े सॉफ्ट मिजाज के आदमी। कोई सॉफ्ट नहीं है, तुम्हें पता है मुझे तो बहुत डर लगने लगा है। और ये सब कुछ भी हो रहा है ना, ये तुम जानते हो, तुम अपने बाप के इकलौते बेटे हो और मैं इकलौती बहू हूँ उनकी। और तुम्हें पता है सारी प्रॉपर्टी, ये पूरा बंगला अगर उसके नाम कर दिया, हम तो सड़क पे आ जाएंगे, हमारे कल को बच्चे होंगे, हमारा भविष्य नहीं बन पाएगा। अब तुम एक काम करो, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं हमारे जो वकील अंकल है ना, मैं उनसे जाके करता हूँ कुछ बात। जो भी करना है जल्दी कीजिए, देखो बहुत समय हमारे पास बहुत कम है। अच्छा। और अगर नहीं कर सकते तो एक काम मेरे ऊपर मेहरबानी कीजिए, मुझे मेरे मायके छोड़ आइए और आप अपनी नई मम्मी के साथ इंजॉय करिए। राम राम राम। बेटी आए पिताजी। बेटी जरा मामला खराब हो रहा है मेरा। हाँ पिताजी, क्या हुआ? बेटी क्या हुआ पेट में? अरे पेट खराब हो गया बेटी। पेट खराब हो गया बेटी? पिताजी बड़े पतरे पतरे आ रहे इधर इधर हुई है, पहले तो इतना खा लिया करो, फिर पेट में दर्द हो रहा है। बेटी बिल्डिंग बू में उसमें गया था तुम्हारी, उसमें वो जो उसमें लैट्रिन करने जाते हैं, उसमें लट्टू सा रखा है, पता नहीं कैसे कैसे करूँ उसमें, मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे वो लट्टू नहीं है, इंग्लिश लैट्रिन है। लैट्रिन? लैटरिंग? उसे इंग्लिश लैटरिंग बोलते हैं। अच्छा? हाँ। मुझे नहीं पता बेटी, मैं तो गांव में वो लोटा लेके जागे और करके भाग आया था। वैसे 20 बार हो चुके मुझे पतरे पतरे। 20 बार हो गए और खाओ देसी घी के लड्डू? अरे सो गए ना, खाए जा रहे हो। पेट खराब हो गया मेरा, निकली जा रही थी, मैं तो वो तो भागे आया था, धोती उठा के। ठीक है तुम अपना जाके कुछ करो, मैं तो जा रही हूँ। कहाँ जा रही बेटी, कहाँ जा रही? देसी घी के और लड्डू खाने। देसी घी के लड्डू खाने जा रही है? हाँ बेटी सुन, मुझे बहुत शौक है देसी घी के लड्डू खाने का, तू ऐसा है किसी हकीम से चूरन ले ले और चूरन की पुड़िया मुझे खिला दे, फिर मैं भी चलूंगा खाने। ये बात तो तुम्हें मरी पड़ रही है, और चूरन खा के और लड्डू खाओगे? क्या करूं बेटी, अब ये निकल ला, निकल ले दो इसे, निकल ले दो, सफाई होती रहेगी। जी मेरे पिताजी है। जा बेटी चलो अंदर और लड्डू खिलाओ मुझे, पहले अपना पेट तो ठीक कर लो, पहले चूरन दे दे। चूरन मिलाना पड़ेगा, लेके आ गई से चूरन रखा होगा घर में कोई, अभी रखा होगा मुझे।
ए भगवान, ची ची ची, कैसे गंवार लोग बस गए मेरे घर में आके, पूरी गंद खाना भरा। अरे सुनते हो जी, कहां पर हो, जल्दी बाहर निकल के आओ। हाँ बताओ क्या हुआ। मुझे मेरे घर छोड़ सकते हो, इतनी मेहरबानी मेरे ऊपर कर सकते हो? वो नहीं? वो तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन बात तो बताओ। छोड़ दोगे? हाँ छोड़ दूंगा, अभी तो फिलहाल हुआ क्या ये तो बताओ। क्या हुआ? हाँ। ये पूछो कि क्या नहीं हुआ, मतलब क्या? मेरा तो इतना दिमाग। चलो चलो कोई नहीं, एक काम, एक काम, मैं पता किस लिए बुला रही थी तुम्हें, जाके जरा वॉशरूम देख के आना, जाओ। अच्छा क्या है वहाँ? जाओ ना, वहाँ तुम्हारी अम्मा बैठी हुई है, मरी हुई। ची ची ची, कितने गंदे लोग हैं ये भगवान। ये कौन कर सकता है सीमा? मुझे क्या पता कौन कर सकता है, जाके अपने बाप से पूछो आपको और किसने किया होगा। और सुनो, पूरे टॉयलेट में मर गो। लो। अरे बेटी, अरे झेलो ने, क्या परेशानी है आपको? परेशानी, हम तो अपने बाबूजी से पहले दुखे और अब परेशानी। तो परेशानी है बेटा। पूछो उनसे क्या 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 नहीं, क्या परेशानी है? परेशानी बेटा, यहाँ पे किधर हकीम की दुकान है या कहाँ मिलेगा चूरन? हकीम? चूरन चाहिए। कौन सा वाला चूरन? हमराज चूरन। हमराज? हमराज चूरन। बेटी मुझे ना सुबह से पानी चढ़ हो रहे हैं, अलग ही अलग भग रहा हूँ। तो वो तो सही है ना, वो तो सही है, या खेत नहीं है, क्या समझ रही है? हाँ नहीं नहीं, कुछ अलग बात है हमारी। बताओ बेटी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ, पेट मरोड़ रहा है। अंकल जी ऐसा है, आप अंकल जी इधर आइए, आप गीले तो पूरे होने के, ऐसा ना हो तुम्हारी धोती पीली हो जाए, आप निकल लो। हो जाएगी, हो जाएगी, जाओ जाओ जाओ। यार तुमने देखा, ऐसे ऐसे पता नहीं कहाँ कहाँ चले आते हैं, और जी ये सब बाबूजी का करा था रहा सब। ओ, तुम भी बाबूजी कहने लगे अपने पिताजी के ससुर को, वाह, असलियत बड़ी जल्दी आ जाती है वैसे जुबान पे। नहीं मैं अपने बाबूजी की बात कर रहा हूँ, उनके नहीं, मैं तुम्हें तो खुशी होती होगी। एक बार बताओ, बाबूजी शादी करते तो, शादी नहीं करते तो ये भी नहीं आते, बाबूजी ने शादी करी तो ये भी, जब उनको देखा तो उन्हें भी झेलो। देखा ये हो रहा है घर में, कुछ दिनों बाद देखो गटर बन जाएगा, गटर, और इस गटर में हमें रहना पड़ेगा। लेकिन भाई मैं नहीं रहूंगी, जल्दी से तलाकनामे के पेपर तैयार कर लो और मुझे तलाक दो, मुझे मेरे घर छोड़ो। तुम्हें हर बात के पीछे पहले तलाक दो, तलाक कहां से बीच में आती है? तलाक आती है बीच में, इस घर में मैं इस तरीके से रहूंगी, तुम्हें पता मेरे बाप ने कितनी फूल की तरह मुझे पाला है, और तुम्हारे घर में आने क्या गलती है? तुम्हारी गलती नहीं है, बाप से क्यों नहीं बात करी? देखिए ये सब किया धरा हमारे बाबूजी का, बाबूजी ना शादी करते ना ये खुजट की शक्ल देखनी पड़ती है, ना ये टॉयलेट गंदा होता। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, अब मुझे दो शब्दों में जवाब दे दो, तुम्हें बाबूजी चाहिए या बीवी? वैसे तो बाबूजी को जब बीवी चाहिए तो मुझे भी बीवी चाहिए, लेकिन बाबूजी जिंदगी काटेंगे तुम्हारी? बाबूजी तो कल परसों के आरती पे, आरती पे सजेंगे, फूल डल के वो ऐसे जाएंगे ऊपर जैसे रॉकेट जाता है। कोई नहीं, अब तुम घबराओ मत, मैं बाबूजी से करता हूँ बात। करना नहीं है अभी, करो जाके, और वरना मैं अभी जा रही हूँ अपने मायके, और मुझे लेने मत आ जाना। बाबूजी, बाबूजी, हाँ बोलो विजय। तुमने बिल्कुल हमारी तो नाक कटा के रख दी, और ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ पर घर में आके तुम मालूम है क्या करा हो ना टॉयलेट का? क्या किया? अरे पूरे टॉयलेट में गंदगी करके रख दी, गांव से पकड़ लाते, पता नहीं कहाँ से शादी करके लिया है। चीख कर बात मत करना, और वो मेरे ससुर हैं समझे, और सुनो तुम मेरे बाप नहीं हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ समझे। मैं चीख के बात नहीं करा, लेकिन ये तो देखो कि उस आदमी ने पूरे टॉयलेट को गंदा करके रख दिया, समझाओगे नहीं उसे कुछ? नहीं समझाएंगे विजय, तो तमीज से बात करो ना, तुम माँ से चीखते चले आ रहे हो, अपनी बीवी के बीवी ने चढ़ा दिया और पिताजी पे तुम चढ़कर आ गए। मुझे वो चाहिए बंटवारा, पूरे मकान में हिस्सा चाहिए मुझे, मकान का पैसे का जितना भी है सब हिस्सा करो मेरा। अभी नहीं, मैं जा रहा हूँ अलग, तुम्हारे चक्कर में मालूम है मेरी बीवी मुझे छोड़ के जा रही है। एक तो तुम्हें शर्म नहीं आई जरा सी, अपनी से आधी उम्र की बच्ची शादी करके लिया है तुम? मेरी बात सुनो विजय, अगर तुम्हारी बीवी जाती है या तुम जाते हो तो जा सकते हो, इसमें हिस्सा किस बात का, कौन से तुम्हारे बच्चे हैं? अरे कम से कम मैंने कहा तुम्हारी शादी को आज कितने दिन हो गए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने कभी पिता का नहीं, कभी पिता का खाब समझने की कोशिश की, पिता की अरमाने की कोशिश की? क्या अरमान है कैसे बात कर रहे हैं हमसे? मैं तुम्हारा बेटा हूँ, आज तक तुमने मुझसे ऐसी बात नहीं करी, मालूम है ये आप क्यों कर रहे हो ये बात? क्योंकि आज से वो औरत आ गई ना, वो औरत ने आपको पट्टी पढ़ा दी है। नहीं, लेकिन मैं
मैं आपकी बात से गुस्सा नहीं, मुझे हिस्सा चाहिए तो चाहिए। अब आप कैसे करेंगे मुझे नहीं पता। विजय मुझे ये बताओ, ये हिस्सा लेके तुम जाओगे कहाँ? इस हिस्से क्या हिस्सा करना है, ये तो तुम तो मालिक हो। ये घर विजय तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। घर इनका है, ये सारी प्रॉपर्टी ना मेरी है। तुम्हारी? तुम क्या समझते हो कि तुम सारी दौलत इनके नाम कर दोगे? हाँ, तुम्हें पता भी है जिस दिन हमारी सुहागरात हुई थी प्रॉपर्टी तो उसी दिन मेरे नाम हो गई थी। इसका मतलब तू चरित्र की अच्छी नहीं है। चरित्रहीन? तुम क्या समझते हो मैंने शादी तुमसे की थी? नहीं, तुम्हारी इस प्रॉपर्टी से, तुम्हारी इस दौलत से। तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है ना। विश्वासघात? तू औरत नहीं नागिन है फिर इसका मतलब। नागिन? तुम क्या समझते हो एक 16 साल की लड़की तुम जैसे बुढ़े से शादी करेगी? हाँ मैंने तो शादी सिर्फ 4 दिन के लिए की थी, वो भी तब तक के लिए जब तक ये प्रॉपर्टी मेरे नाम ना हो जाए। भूल गए वो रात जिस दिन हमारी सुहागरात थी? तुम्हें पता भी है जिस दिन हम रूम में गए थे, फिर मैंने तुमको दूध का गिलास दिया था, उसमें नींद की गोलियां मिली हुई थी और तुम नींद के नशे में, मैंने जो पेपर साइन कराए थे ना वो साइन करते ही जा रहे थे, करते ही जा रहे थे। जहाँ मैं साइन करा रही थी आप वहीं साइन करते ही जा रहे थे। एक बार खोल के भी नहीं देखा इसमें क्या है, वो प्रॉपर्टी के कागज थे। अब ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है, समझ में आया? और तुम ना निकलो इस घर से, अब इस घर की मालकिन मैं हूं। अबे बुढ़े तुझे सुनाई नहीं देता, निकल यहां से बाहर। अगर मेरे बाप से जरा भी तुमने बदतमीजी की तो जानती हो। अच्छा, बदतमीजी करती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझे शर्म नहीं आती? तू ना अपनी हद में रह के बात कर, और जो ऊंची आवाज में मुझसे बात मत करियो। उंगली नीचे, समझ में आ गई? तू जानती नहीं कि मेरे पति से इस तरीके से बात कर रही है? पति? मेरे ससुर से तूने इस तरीके से बात करी, लेकिन मेरे पति से बात नहीं कर पाएगी ऐसे? मैं जानती तेरी किसी चरित्रहीन औरत को, पैसे के लिए अपने इज्जत को बेच देती तुम जैसी वेश्या। अच्छा, ये तो उससे भी ज्यादा बदतर है। ओ महारानी जी, इतना डायलॉग बाजी देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इतना ही तरस आ रहा है अपने पिताजी पे और अपने पति देव पे, तो ये प्यार ना बाहर जाके निभाओ, ठीक है? और इस घर से निकल जाओ। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये घर तुम्हारा है? सबूत? हाँ। बेटी, ये रहा सबूत। पिताजी, ये रहा सबूत। सबूत दिखाओ से। ये बढ़ाओ इसे। ये सारी प्रॉपर्टी ना पूजा के नाम पे लिख चुकी है। ये क्या हो गया विजय? ये हमारा घर छिन गया हमसे। पिताजी ये क्या कर दिया था? इधर दो कागज। अब ना तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया है। घर से बाहर निकल जाओ। मेरे पिताजी को बेला फुसला कर जो तुमने ये कागज अपने नाम करा लिए। राजा बेटा, घर से बाहर जाओ, जगह देख लो अपने लिए। ये तुम लोगों ने बहुत दफा दफा हो जाओ यहाँ से। एक मिनट और सुनो। देखा पिताजी, तुम्हारी छोटी सी बेवकूफी ने क्या कर दिया। जिस घर में मैं दुल्हन बन के आई थी, आज मेरे उसी घर को आपकी एक छोटी सी एक नादानी की वजह से सब कुछ छिन गया। तुम्हें पता है, माँ जी का सपना था कि ये घर हमसे कभी जुदा ना हो। इस घर को मैंने मंदिर बना के रखा और आपने क्या कर दिया पिताजी? तुम्हारे पिताजी को नई लड़की से शादी करने का बहुत शौक है। गुनाहगार हूँ बहुत बड़ा मैं बेटा, गुनाहगार हूँ तुम। हाँ ठीक है, चलो चलो चलो, खाली करो यहाँ से, निकलो यहाँ से, चलो यहाँ से, दफा। मेरी जायदाद यहाँ से, दफा हो जाओ। मेरे बेटे और मेरी बहू है, बुढ़ा कहीं का नहीं।
डार्लिंग, अब तो बड़ा बेचैनी सी होने लगी है मुझे ये मूछें और ये पगड़ी लगाने से। आज खत्म करता हूँ इनका भी डंडा। वाह बेबी, बड़े चालाक बन रहे थे अपने लिए। अच्छी एक्टिंग करी है पिताजी बनने की। और सुनो, अब तक तो जो भी हुआ सब सेट हुआ, और सुनो अब ना असली स्वागत बनाते हैं ना। चलो देखा दोस्तों, लापरवाही का नतीजा क्या होता है। ऐसी घटनाओं को अंजाम इसी तरह दिया जाता है, और मुजरिम जो है बड़ी आसानी से पैसे से दौलत से निकल जाता है। दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, इस तरह की घटनाएं इस देश में ज़्यादातर होती रहती हैं। इस घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, कहीं सास, कहीं ससुर, कहीं बहू, कहीं बेटी, कहीं बॉयफ्रेंड, कहीं गर्लफ्रेंड, इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। और मैं तो बस यही कहूँगा कि प्राइमस कैसेट की तरफ से ये छोटा सा प्रोग्राम आपकी जानिब हुआ था। दोस्तों इस प्रोग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, लाइक करें, और अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें। मैं सिर्फ एक जाते जाते एक बात और कहता हूँ, सावधान रहिए, होशियार रहिए। जय हिंद, फिर मिलते हैं।